इस वीडियो की जानकारी इंटरनेट से ली गई है। इस दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह निश्चित रूप से आवश्यक है। इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप किसी भी दवा का उपयोग करते हैं तो हम किसी भी दुष्प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। लेविपिल 500 टैबलेट मस्तिष्क में असामान्य इलेक्ट्रिकल गतिविधि को संदमित करता है। आप इसे खाने के साथ या बिना खाए ले सकते हैं, लेकिन सबसे अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए हर दिन इसे एक ही समय पर लेने की कोशिश करें। डोज आपकी कंडीशन और दवा के प्रति आपके रिस्पॉन्स पर निर्भर करेगी। आपका डॉक्टर आपके लिए सही खुराक की सलाह देगा। आमतौर पर लंबी अवधि के इलाज के रूप में इसकी सलाह दी जाती है। अगर आपको बेहतर महसूस होने लगा है तब भी डॉक्टर की सलाह अनुसार इसका सेवन जारी रखना चाहिए। अगर आप खुराक रोक देते हैं या लेना भूल जाते हैं तो आपको और अधिक खराब दौरे आ सकते हैं। इस दवा के कुछ आम साइड इफेक्ट में चक्कर आना, सिर दर्द, संक्रमण, जलन, बंद नाक, नींद आना, व्यवहार में बदलाव, आक्रामक व्यवहार और भूख में कमी शामिल हैं। पहले कुछ सप्ताह के दौरान साइड इफेक्ट होना सामान्य है और आमतौर पर आपके शरीर को इसकी आदत लगने के बाद यह कम हो जाते हैं। इनमें से अधिकांश साइड इफेक्ट के लिए किसी भी चिकित्सकीय सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इनमें से कुछ गंभीर हो सकते हैं। इस दवा से इलाज कराने वाले कुछ लोगों को खुद को नुकसान पहुंचाने या मारने के विचार आए हैं। अगर आपके मूड में खराब बदलाव आ रहा हो तो अपने डॉक्टर से बात करें। इसे लेने से पहले अगर आपको किडनी से संबंधित कोई समस्या, डिप्रेशन है या आत्महत्या के ख्याल आते हैं या आप गर्भवती हैं, गर्भधारण करने की योजना बना रही हैं या स्तनपान करा रही हैं तो आपको अपने डॉक्टर को इसके बारे में बताना चाहिए। इस दवा का सेवन करते समय आपका डॉक्टर आपकी किडनी कार्यक्षमता की निगरानी करने के लिए नियमित ब्लड टेस्ट कराने की सलाह दे सकता है। लेविपिल टैबलेट के लाभ। मिर्गी दौरे का इलाज। लेविपिल 500 टैबलेट एंटीकॉन्वल्सेंट या एंटी एपिलेप्टिक्स नामक दवाओं के समूह से संबंधित है। यह मस्तिष्क में इलेक्ट्रिकल सिग्नल को धीमा करके काम करता है जिसके कारण दौरे फिट आते हैं। इस दवा का इस्तेमाल विभिन्न प्रकार के दौरों, मायोक्लोनिक, पार्शियल ओनसेट और प्राइमरी जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक या ग्रैंड माल को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है। यह भ्रम, अनियंत्रित रूप से हिलने या झटके खाने जैसे मूवमेंट, जागरूकता की हानि और डर या एंग्जायटी जैसे लक्षणों को कम करने में भी मदद करता है। यह दवा लेने पर आपको कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जो आप अन्यथा नहीं कर सकते या करने से डरते हों, जैसे स्विमिंग और ड्राइविंग। इस दवा को असर करने में कुछ सप्ताह लग सकते हैं क्योंकि खुराक को धीरे धीरे बढ़ाना होता है और इस समय के दौरान आपको दौरे पड़ सकते हैं। अगर आपको बेहतर महसूस होने लगा है और अब दौरे नहीं आते हैं तब भी इसका सेवन जारी रखना चाहिए। खुराक भूलने पर दौरे पड़ सकते हैं। जब तक आपका डॉक्टर नहीं कहता तब तक इस दवा का इस्तेमाल बंद न करें। लेविपिल टैबलेट के साइड इफेक्ट। इस दवा से होने वाले अधिकांश साइड इफेक्ट में डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ती है और नियमित रूप से दवा का सेवन करने से साइड इफेक्ट अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अगर साइड इफेक्ट बने रहते हैं या लक्षण बिगड़ने लगते हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। लेविपिल के सामान्य साइड इफेक्ट। नींद आना, चक्कर आना, थकान, सिर दर्द, भूख में कमी, बिहेवियरल चेंजेस, आक्रामक व्यवहार, जलन, आवेश, बंद नाक, संक्रमण। लेविपिल टैबलेट का इस्तेमाल कैसे करें। इस दवा की खुराक और अनुपान की अवधि के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। इसे साबुत निगल लें, इसे चबाएं, कुचलें या तोड़ें नहीं। लेविपिल 500 टैबलेट को खाने के साथ या बिना खाए लिया जा सकता है, लेकिन इसे रोजाना एक निश्चित समय पर लेना बेहतर होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।